फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विज्ञान, आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल YT विज्ञान पर। दोस्तों, फाइनली गूगल की तरफ से एक नया वाला फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है गूगल पिक्सल 8। ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको काफ़ी सारा नया फीचर देखने को मिलेगा। इसका प्राइस जो कि काफ़ी बजट वाला प्राइस होने वाला है। इसके साथ इसमें जो फीचर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी यूनिक फीचर, जो कि काफ़ी डिफरेंट फीचर इसमें ऐड किया गया है। इसके साथ आपको तो पता है गूगल खुद फ़ोन बना रहा है, तो उसका जो प्रोसेसर होगा वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं गूगल की तरफ से ये जो नया फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है गूगल पिक्सल 8। ये जो फ़ोन है इसमें आपको क्या डिफरेंट फीचर देखने को मिलेगा, इसका प्राइस कितना होने वाला है, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसा नया अपडेट मिलता रहे। इसके साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं गूगल पिक्सल 8 के बारे में। सो दोस्तों, इसका जो प्राइस के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी, तो आइए बात करते हैं इसका फीचर के बारे में। तो ऑब्वियसली अभी का टाइम पर जो भी फ़ोन लॉन्च हो रहा है उसमें आपको एंड्रॉयड V13 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन गूगल ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि इसमें आपको V14 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल खुद प्रोसेसर बना रहा है, तो उसका ऑब्वियसली कुछ यूनिक प्रोसेसर होना चाहिए। यूनिक भी है इसमें, जो कि गूगल टेंसर G3 नाम की एक प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। जो कि इसका वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें 6.17 इंच का AMOLED डिस्प्ले यूज किया गया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट रहेगा, जो कि मोबाइल का जो डिस्प्ले का फंक्शन रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन होने वाला है। इसके साथ आपको बेजल लेस विद पॉन्च होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें जो बैक कैमरा आपको डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा रहेगा, 12MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रहेगा, LED फ्लैश रहेगा, 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 10.80MP का वाइड एंगल लेंस रहेगा, 4K आदर 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4485mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 24W फास्ट चार्जिंग यूज किया गया। ऑब्वियसली नॉर्मल फ़ोन जो कि 30W से ऊपर फास्ट चार्जिंग दे रहा है, तो गूगल ने कुछ चार्जिंग केस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, लेकिन गूगल ने नहीं किया, तो वही थोड़ा जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सही है। प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 48,590, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है। एक्चुअल में उसका जो कंफर्मेशन प्राइस अभी तक नहीं आया है। तो ये एक 5G फ़ोन है, तो आप आराम से, जियो का अभी 5G फ्री है तो आराम से आप यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, इसका लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये अक्टूबर 4 को लॉन्च होने वाला है, जो कि मतलब और 2 महीना बाकी है। तो अक्टूबर 4 को आने के बाद पता चलेगा इसका प्राइस कैसा है, इसमें दूसरा वेरिएंट कौन सा वेरिएंट आ रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो इसके लिए, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि कंफर्मेशन वीडियो है, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ। तो रहते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।